मैं खासकर चूँकि पिछले साल बाबा योगी बाबा द्वारा मुख्यमंत्री जी के द्वारा उनके इशारे पर हमारे पूर्व सम्राट मीर बोध जी के मुंह पर काली पोती गई थी, पूरा देश में समाज आहत है। मैं खासकर चूँकि पिछले साल बाबा योगी बाबा द्वारा मुख्यमंत्री जी के द्वारा उनके इशारे पर हमारे पूर्व सम्राट मीर बोध जी के मुंह पर काली पोती गई थी, पूरा देश में समाज आहत है। अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस के अवसर पर सहारनपुर में खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गुर्जर समाज, गुर्जर प्रतिहार सम्राट मेहर भोज की जयंती को अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस के रूप में मनाता है। सहारनपुर में आयोजित इस खास कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुखिया गुर्जर ने शिरकत की, जिनका गुर्जर समाज के लोगों ने जोरदार तरीके से स्वागत किया। इस अवसर पर गुर्जर समाज के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया, साथ ही समाज के हित में बेहतर कार्य करने वालों को भी सम्मानित किया गया। आज गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज जी का जन्मोत्सव है। सनी एक सेकंड, तो जन्मोत्सव है, सिर्फ दो मिनट। उस अवसर पर देश भर में, विदेश में भी हमारी बिरादरी अपने पूर्वज और इस देश के महान शासक सम्राट मीर बोध जी के जन्मोत्सव पर उत्साह पूर्वक पर्व के तौर पर मना रहे हैं। वहीं कार्यक्रम के दौरान मुखिया गुर्जर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि पिछले साल उनके इशारे पर मीर भोज की प्रतिमा पर कालिख पोती गई थी, जिसके बाद गुर्जर समाज ने फैसला लिया था कि वो लोग गांव-गांव में अपने पूर्वज मीर भोज की प्रतिमा और उनके नाम से द्वार बनवाएंगे। मुखिया गुर्जर ने कहा कि सहारनपुर में गुर्जर समाज के लोगों के जबरदस्त उत्साह के कारण जिले के करीब करीब सभी गांव में या तो सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा लग चुकी है या फिर उनके नाम के द्वार बनाए जा चुके हैं। मैं खासकर चूँकि पिछले साल बाबा योगी बाबा द्वारा मुख्यमंत्री जी के द्वारा उनके इशारे पर हमारे पूर्व सम्राट मीर बोध जी के मुंह पर काली पोती गई थी, पूरा देश में समाज आहत है, तो इस बात को लेकर आक्रोशित होकर हम लोगों ने अभियान छेड़ा था कि हम गांव-गांव सम्राट मीर बोध जी की बोर्ड लगवाएंगे। तो पूरे देश के अंदर सहारनपुर की इस सरजमी को मैं प्रणाम करता हूं कि एक भी गांव ऐसा नहीं बचा जिसमें सम्राट मीर बोध की द्वार न बन गया और प्रतिमाएं लग गई पूरे जिले में। इसी तरीके से ये क्रम देश भर में हमने लगा दिया। मैंने खुद भ्रमण किया कई राज्यों में, तो हमने बोर्ड तो लगा दिए, पहचान बन गई, भावी पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी आगे बढ़ने की, बच्चों को। अब हम ये करने जा रहे हैं, आज हम संकल्प लेते हैं कि जिस तरीके से बोर्ड लगाए इसी तरीके से हर गाँव में सम्राट मीर बोध जी के नाम से या तो शिक्षण संस्थान या कहीं उनकी प्रतिमाएँ स्थापित करेंगे और दूसरे और कार्यक्रम, जन जागरण कार्यक्रम चलाए जाएंगे जिससे कि हमारा अस्तित्व बचाया जा सके गुर्जर बिरादरी का। आपको बता दें कि मुखिया गुर्जर की यूपी विधानसभा चुनाव 2022 से ठीक पहले समाजवादी पार्टी में घर वापसी हुई थी, फलस्वरूप समाजवादी पार्टी ने उन्हें अमरोहा जिले के हसनपुर सीट से पार्टी का प्रत्याशी घोषित कर दिया था।